वापी में मानवाधिकार संस्था द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का 500 लोगों ने लिया लाभ। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने जनहित में मंगलवार को स्वास्थ्य जांच शिविर किया। वापी के लोटस गार्डन स्कूल में आयोजित इस शिविर में करीबन 500 व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। यहां आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए चिकित्सकों ने मरीजों को स्वास्थ्य रक्षा से जुड़े सुझाव भी दिए। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के गुजरात राज्य के महासचिव ओम प्रकाश शर्मा, प्रेसिडेंट विनोद सिंह, हेमंत भाई, नीरव शाह, पूजा अरोरा, अशोक शर्मा आदि सदस्यों ने मेडिकल कैंप में उपस्थित रहकर लोगों को स्वास्थ्य जांच की सेवाएं दिलवाई। आज ये हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। ये वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज संडे था इसलिए आज का दिन लिया हुआ है हमने। और आज एक विशेष दिन भी है, महावीर जयंती भी है, उसके उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने ये दिन लिया हुआ है। और ये जो प्रोग्राम है लोटस गार्डन स्कूल, जो कि जलाराम मंदिर के पास में है, उसके वो लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया और हम लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने का रीज़न ये है कि ह्यूमन राइट्स के जो विचार हैं वो स्कूल में भी आएँ और लोगों को भी इससे जुड़ाव हो, इसलिए हमने स्कूल के साथ में ये प्रोग्राम लिया हुआ है। और इसमें जो डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वापी के, डॉक्टर शर्मा हैं, सर्जन हैं और सुपरिंटेंडेंट भी हैं, वो भी आए हुए हैं आज। और डेंटिस्ट भी आए हुए हैं, उसके बाद ऑर्थो भी आए हुए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं, ऐसे तमाम डॉक्टर्स आए हुए हैं। और करीब 200 से 250 लोग अभी तक आ चुके हैं। अभी और भी कम से कम 200-250 लोगों की आने की संभावना है। यहाँ सब लोग इसका लाभ लेंगे। आपका नाम और डिजिग्नेशन? ओम प्रकाश शर्मा, महासचिव गुजरात प्रदेश ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन।